नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं उसका नाम है यस आई एम स्टूडेंट। और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर और किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस आई एम स्टूडेंट 2021 की भारतीय पंजाबी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माता तरणवीर सिंह जगपाल ने किया है। इसकी शुरुआत सिद्धू मूसेवाला, मोटी तरख, हुई तखर और गिल रोंटी से होती है। फिल्म को गिल रोंटा ने लिखा है। 22 अक्टूबर 2021 की रिलीज हुई फिल्म। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है, जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंतत उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मेडी तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित या जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें
तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-हाव ने कुछ ही समय ने दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिकाएँ निभाई हैं। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज़्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते।
कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश हो नहीं, भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे लिखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। एडिट के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहे हैं। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो
मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि इनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है, वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश हो नहीं, भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा
जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैट्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन और
आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है, क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा
सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जस को भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज़्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत
अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि इनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर
भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों ड्रग्स क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके।
ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों ड्रग्स क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम
कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे लिखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे लिखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिकाएँ निभाए।
उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित या जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था, वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी, जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई, जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा: जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित या जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था, वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज़्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी, जिसने हर मोटे और पतले में
उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों ड्रग्स क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते।
कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिकाएँ निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली
कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि इनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं है और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश हो नहीं, भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए हैं। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि इनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी
ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिकाएँ निभाई हैं। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा
सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्व ग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-हाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिकाएं निभाए हैं। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि इनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में
सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्व ग्रह कैसे है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश हो नहीं, भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैट्रिक तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए हैं। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्व ग्रह कैसे है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं है और
वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिकाएँ निभाए हैं। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर
सड़कों से भटकता है, लेकिन निराश हो नहीं, भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित या जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश हो नहीं, भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके।
ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिकाएँ निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों ड्रग्स क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि इनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश हो नहीं भाग्य अंत तक उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें
जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वग्रह कैसे है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं है और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए ऐसे
छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि को प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश को नहीं, भाग्य अंतत उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैट्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित या जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज़्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने
हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जैसा कि चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश हो नहीं भाग्य अंतत उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित या जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों ड्रग्स क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते।
कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश हो नहीं, भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली
कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि इनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है, वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित या जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के
जेहतर जीवन बनाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है, क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है, वो बेघर सड़कों से भटकता है, लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में अब उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक जेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है, फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन और
आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है, क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्रिड तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-हाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म न केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा
सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-हाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिकाएं निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा वहां महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उनके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत
अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश होने ही भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देख रहा है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिकाएँ निभाई हैं। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि के प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिलने जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भुगतान करने से मना कर देता है क्योंकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है। सीधे पंजाब से आने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में सिद्धू मूसेवाला ने एक ठोस काम करने की कोशिश की। हालांकि उसके कौशल को अभी भी थोड़ा चमकाने और शायद बहुत अभ्यास की जरूरत है। उसके अलावा फिल्म दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के खिलाफ लोगों के पूर्वाग्रह कैसे हैं। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र किसी काम के नहीं हैं और वे केवल कनाडा की संस्कृति को खराब करने, ड्रग्स लेने और हर संभव लागत कम करने के लिए आते हैं। जिसको भी उस स्टीरियोटाइप पर
भेदभाव का सामना करना पड़ता है और वो मुसीबत में पड़ जाता है। वो बेघर सड़कों से भटकता है लेकिन निराश हो नहीं, भाग्य अंततः उसके पक्ष में काम करता है और उसे निर्माण में काम मिल जाता है। वो तब होता है जब वो घरों के निर्माण के एक कोर्स करने का फैसला करता है और एक छात्र शहर बनाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सिर पर छत प्रदान की जा सके। ये कथानक दर्शकों को जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विभिन्न अपराधों पर भेदभाव किए जाने के कई वास्तविक जीवन उदाहरण है। घरों और नौकरियों से इनकार कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी और कथन ने हमें बांधे रखा। फिल्म में पंजाबी एक्ट्रेस मैड्री तखर भी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। रीत के रूप में उन्हें जस्सा की प्रेमिका भी की भूमिका निभाते हुए देखा गया है। उसके मासूम चेहरे और खूबसूरत हाव-भाव ने कुछ ही समय में दिलों में पिघला दिया। फिल्म में और भी कई किरदार हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाए। उदाहरण के लिए ऐसे छात्र थे जिन्होंने सटीक छवि की प्रतिबिंबित किया जो कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रति पूर्वग्रह वाले लोगों के पास था। वे अपने माता पिता द्वारा महंगी कारों, ड्रग्स, क्लबिंग आदि पर भेजे गए धन को जला देते हैं। उनके बाद ज्यादा की जस्सा की दोस्त हीरा थी जिसने हर मोटे और पतले में उसके साथ खड़ा होने सुनिश्चित किया और उसे सही और गलत के बीच का अंतर भी समझाया। अंतिम लेकिन कम से कम जस्सा के चाचा ने हमें तथाकथित रिश्तेदारी की छवि दिखाई जो हर समय मराठी पीठ थपथपाने का वादा करते हैं लेकिन अपने शब्दों से कभी नहीं जीते। कहानी फिल्म एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़के के बारे में है जो सफल होने की उम्मीद में कनाडा आता है। वो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र है जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दो काम करते हैं। वो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। हालांकि उसका जीवन तब बदल जाता है जब वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ भेदभाव का शिकार हो जाता है। फिल्म ने केवल उनके संघर्षों को दिखाती है बल्कि हर अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई और वे इससे लड़ने की कोशिश कैसे करते हैं। समीक्षा जिस गिल उर्फ जस्सा सिद्धू मूसेवाला एक छात्र के रूप में कनाडा जाने और फिर अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए डॉलर कमाने के लिए सपना देखते हैं। हालांकि उनका परिवार उन्हें विदेश भेजने का खर्च नहीं उठा सकता है फिर भी वे ऋण लेते हैं और उन्हें कनाडा भेजते हैं। आगमन पर बस सब कुछ सही जगह पर गिरने लगता है क्योंकि उसे आसानी से रहने की जगह मिल जाती है। कॉलेज जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। इसे यकीन हो जाता है कि वो ना केवल अपनी फीस भरने के लिए बल्कि अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए भी कमा सकता है। हालांकि वास्तविकता उसे तब कड़ी टक्कर देती है जब उसका नियोक्ता उसे सिर्फ इसीलिए भोग